बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो रशियन सैलड की है। रशियन सैलड के लिए जो अज़ा दरकार हैं वो ये हमने इसमें लिया है 4 चम्मच खाने की क्रीम और 3 चम्मच खाने के मायनेज़, 1/6 चम्मच हमने ली है ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर, 1 चुटकी के करीब हमने नमक इसमें शामिल करेंगे, 4 से 5 चाय की चम्मच चीनी वो इस्तेमाल करेंगे पीसी हुई, 1/4 चम्मच इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच खाने की क्रीम और शामिल करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको अब हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। बाकी जो अज़ा हमें चाहिए वो आपको बताते हैं। सेब 3 अदद, 6 अदद केले, 8 से 10 स्ट्रॉबेरी, 1 आलू, 2 अदद गाजर छोटे साइज की, तकरीबन 100 ग्राम मटर, 100 ग्राम पाइन एप्पल, 100 ग्राम अमरूद, 50 ग्राम सावगी, 50 ग्राम बादाम और पिस्ता। अमरूद, सेब, मटर, गाजर, पाइन एप्पल, केला शामिल करेंगे। केला थोड़ा सा शामिल किया है, बाकी इसमें बाद में शामिल कर देंगे। स्ट्रॉबेरी शामिल करेंगे, वो मायनेज और क्रीम जो काली मिर्च पाउडर और चीनी में मिक्स करके रखी हुई थी वो इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। जब इस तरह यह चमचों की मदद से हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये जो केले थोड़े से रह गए थे वो भी शामिल कर देंगे। केला नरम होता है, उसके मिक्स होने या टूटने का डर होता है, इसलिए थोड़े थोड़े करके शामिल किए। अब ये आखिर पे आलू शामिल करेंगे, क्योंकि आलू हमने बॉईल किया हुआ था, ये भी जल्दी मेल्ट हो जाएगा, इसलिए इसको आखिर में सबसे। ये देखें आप, ये अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। अब जो थोड़ी सी क्रीम बच गई थी वो हम इसके ऊपर इस तरह पिला देंगे।
आप इसके ऊपर जो सावगी थी वो डाल देंगे, सावगी और जो बादाम और पिस्ता था गार्निश के लिए। वो इस तरह इसके ऊपर डाल देंगे, ये पिस्ता और बादाम भी इसके ऊपर इस तरह गार्निश के लिए लगा देंगे। और इसको ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा रशियन सैलेड तैयार है। इसमें अंगूर वगैरह और कुछ और फ्रूट्स भी पड़ते हैं, पर वो अंगूर का अभी मौसम नहीं था, या कि रमज़ान शरीफ आ रहा है, उसके लिए बड़ी बेहतरीन रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको आप हम ऊपर से रैप करके तकरीबन घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और ये रमज़ान शरीफ आगे आ रहा है, रमज़ान शरीफ के लिए बेहतरीन रेसिपी है। बहुत शुक्रिया।